नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी दुनिया को अलविदा कहने वाले भारत रत्न रतन टाटा की। राहुल गांधी के अपने नेताओं को लगाई फटकार की और उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बनाए खास प्लान की। साथ ही आज की उन सभी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से, जो पूरा दिन चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नहीं रहे मशहूर उद्योगपति रतन टाटा, 86 साल में मुंबई में हुआ निधन। पद्म भूषण पद्म विभूषण से सुशोभित देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे। रतन टाटा ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बुधवार देर शाम उनका निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। हम शांति प्रिय देश सभी की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस की राजधानी में हैं। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं और एक दूसरे के लिए राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 करोड़ हुआ विधायक विकास फंड। दिल्ली में सरकार ने विधायकों को अपने इलाके में विकास करने के लिए फंड की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। गुरुवार को आतिशी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और ये फैसला लिया गया है। उमर अब्दुल्ला चुने गए नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल के नेता, सरकार गठन के लिए पेश करेंगे दावा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया है। वो शीघ्र ही राजभवन जाएंगे और सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। शेयर बाजार हरे निशान पर क्लोज, सेंसेक्स 144 अंक चढ़ा, निफ्टी सपाट पर बंद। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 187 अंकों की उछाल के साथ 81,654 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी तकरीबन 0% की बढ़ोतरी के साथ 25,013 पर बंद हुआ। तो ये थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की वायरल वीडियो आपको दिखा देते हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। सीएम योगी के प्रदेश यूपी के मुरादाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वापस लौट रही युवती के साथ रास्ते में मिले तीन मनचलों ने छेड़छाड़ कर दी। लगातार पीछा कर रहे शहदों को देखकर जब युवती का धैर्य जवाब दे गया तो उसने तीनों को दबोच कर उनके ऊपर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान जब तीनों मनचले छूट कर भागे तो एक व्यक्ति से लिफ्ट लेकर लड़की ने एक मजनू का कॉलर पकड़ लिया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दौड़ धूप करते हुए तीनों मनचलों को गिरफ्तार कर लिया। आप भी देखिए ये वीडियो। दरअसल जनपद मुरादाबाद के कांट कस्बे में रहने वाली युवती युवकों के ऊपर टूट पड़ी और लात घूंसों से पिटाई कर दी। लड़की को अपने ऊपर भारी पड़ता देखकर तीनों मनचले मौके से भाग लिए, लेकिन लड़की ने एक बाइक सवार से लिफ्ट लेकर भाग रहे मनचलों को सिलाई सेंटर के पास पकड़ लिया और फिर लात घूंसों से पिटाई की। इसी दौरान सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अफजलगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शोएब एवं इमरान तथा गाजियाबाद के रहने वाले मोहम्मद शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद शहदों को जेल यात्रा पर रवाना कर दिया है। फिलहाल खबरें अब तक में, बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में।
पद्म भूषण पद्म विभूषण से सुशोभित देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे। जी हाँ, भारत के रत्न रतन टाटा ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बुधवार देर शाम उनका निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी शोक की लहर है। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, हमेशा दूसरे की मदद के लिए खड़े रहना, जरूरतमंदों गरीबों के लिए दान करना, जानवरों के प्रति इतना लगाव होना, ये सारी खूबी ही तो रतन टाटा को खास बनाती है। ऐसे में उनके जाने से देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। 28 दिसंबर 1937 में जन्मे रतन टाटा ने 21 साल तक मुख्य भूमिका में रहते हुए टाटा समूह का नेतृत्व किया और ग्रुप की कंपनियों को बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने ग्रुप के बिजनेस से जुड़े 5 ऐसे फैसले लिए जिनके जरिए टाटा समूह की नई तकदीर लिखी गई और उसे घर घर तक पहचान मिली। आइए जानते हैं इनके बारे में। 28 दिसंबर 1937 को पारसी फैमिली में जन्मे रतन टाटा का जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा है और ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बनकर काम किया तो दूसरी ओर अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज़्यादा हिस्सा दान करके देश के सबसे बड़े दानवीरों में शुमार रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर जिस बिजनेस को छुआ उसे सोना बना दिया और कई लोगों की किस्मत भी बदल दी। रतन टाटा का पहला बड़ा काम। JRD टाटा का उत्तराधिकारी बनने के बाद रतन टाटा ने कई ऐसे फैसले किए जिसने टाटा समूह की आय को 40 गुना बढ़ाया और कंपनी का प्रॉफिट करीब 50 गुना तक बढ़ा। इस कड़ी में सबसे अहम फैसला साल 2000 में दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण करना रहा। ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली के अधिग्रहण के बाद टाटा समूह को यूरोपीय बाजार में अपनी बढ़त बनाने में मदद मिली। इसके बाद टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई और उसने यूनिलीवर के ब्रुक ब्रांड को चुनौती देना शुरू किया। इतना ही नहीं, इससे टाटा समूह का नाम यूरोप के घर घर पहुंचा। रतन टाटा का दूसरा काम। टाटा टी से ही जुड़ा एक अहम कैंपेन जागो रे रहा। 2007 में जब ये विज्ञापन अभियान लॉन्च हुआ तब रतन टाटा ही कंपनी के प्रमुख थे। भ्रष्टाचार विरोधी इस विज्ञापन अभियान ने इंडियन मार्केट में दो तरह से टाटा समूह की पहचान मजबूत की। रतन टाटा का तीसरा काम। रतन टाटा के जीवन का सबसे अहम पल जनवरी 2008 रहा। यही वो महीना था जब उन्होंने देश को 1,00,000 रुपए से कम कीमत वाली टाटा नैनो कार दी। रतन टाटा के इस प्रोडक्ट ने देश के हर घर में टाटा के नाम को जगह दी। उन्होंने आम आदमी के कार खरीदने के सपने को साकार कर दिखाया। रतन टाटा का चौथा काम। टाटा मोटर्स का कार बिजनेस जब ठप पड़ने लगा तो कई लोगों ने रतन टाटा को इसे बेचने की सलाह दी। फोर्ड इसे खरीदने के लिए राजी हो गई और डील साइन करने के लिए रतन टाटा को अमेरिका में कंपनी के हेडक्वार्टर बुलाया गया। मीटिंग के दौरान फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा से कहा कि वो उनकी कंपनी खरीदकर उन पर एहसान करेंगे। ये बात रतन टाटा को रास नहीं आई। बाद में जब 2008 में फोर्ड लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई तब टाटा ने ही फोर्ड से लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर को खरीदा। रतन टाटा का पांचवा काम। रतन टाटा ने कई मौकों पर ग्रुप की पहचान ऐसी कंपनी के तौर पर कराई जो मुश्किल के वक्त में देश की मदद करने को आगे रहती है। फिर बात सुनामी की हो या फिर कोरोना काल की। कोरोना के समय जब देश मुसीबत में था तब उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए का दान किया था। पद्म विभूषण रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे, फिर भी वह कभी अरबपतियों की किसी सूची में नहीं आए। उन्होंने 30 से अधिक कंपनियों को नियंत्रित किया जो 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में संचालित थी। फिर भी उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। वह ऐसे कॉरपोरेट दिग्गज थे जिन्हें शालीनता और ईमानदारी के गुणों वाला पथ निरपेक्ष संत माना जाता था। यही कारण है कि उनके जाने के बाद आज पूरा देश गमगीन है। ऐसे दिग्गज और दयालु उद्योगपति हमेशा हमारे दिल में जीवित रहेंगे। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस में समीक्षा का दौर चल रहा है। हरियाणा की हार के बाद आज कांग्रेस नेतृत्व में राज्य के नेताओं के संग पहली अहम बैठक की।
ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी दीपक बाबरिया, हरियाणा पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा को भी बुलाया गया था। वही बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में नेताओं ने निजी हित को ऊपर रखा। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी का हित दूसरे नंबर पर रहा और नेताओं का हित हावी रहा। कहा जा रहा है कि चुनाव परिणामों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। बता दें कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव को बैठक में नहीं बुलाया गया था। वहीं से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में ईवीएम में कथित खराबी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के प्रयास में चुनाव आयोग के साथ एक संभावित बैठक का संकेत दिया था। बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 में से 48 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल की है। वहीं 10 साल से सत्ता में रही बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में नाकाम रही कांग्रेस 37 सीटें जीत पाई है, जिससे उसे हार का मुंह देखना पड़ा। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सिपा सालार उतार दिए हैं। सपा ने सूबे की 10 में से 6 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव की पहली सूची में सपा ने सियासी परिवारों से बेटे बेटियों, पत्नी और भाई को मौका देने के साथ जाति की बिसात बिछाने की कवायद की है। 3 पिछड़े, 2 मुस्लिम और 1 दलित को टिकट देकर सपा ने पीरीए फॉर्मूले को बरकरार रखा, तो साथ ही सीट के सियासी और जातीय मिजाज को भी देकर दाव चला है, ताकि जीत की गारंटी तय हो सके। बता दें, समाजवादी पार्टी ने करहल सीट से तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद, कटहरी सीट से शोभावती वर्मा, फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी, मझवा सीट से ज्योति बिंद, सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। मीरापुर, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद सदर सीट पर सपा ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। सपा ने जिन 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से फूलपुर और मंझवा सीट छोड़कर बाकी 4 सीट पर 2022 में जीतने में कामयाब रही थी। इसलिए सपा ने उपचुनाव में भी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए परिवारवाद से किनारा नहीं किया और जीत के आधार को देखते हुए दाव खेला है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 में विधायक चुने गए थे। 2024 में कन्नौज से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। करहल सीट पर यादव वोटों के सियासी समीकरण को देखते हुए अखिलेश ने अपने भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उतारा है। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिम्पल यादव सांसद चुनी गई हैं। करहल सीट पर जातिगत समीकरण को देखें तो यादव वोटर 1.25 लाख के करीब है। इसके बाद शाके, बघेल और ठाकुर मतदाता हैं, लेकिन तीनों वोट लगभग बराबर हैं। जाहिर है 2002 में सिर्फ एक बार बीजेपी ये सीट जीती है और ज्यादातर सपा का कब्जा रहा है। यादव विधायक ही चुने जाते रहे हैं, जिसके चलते अखिलेश ने तेज प्रताप के रूप में यादव प्रत्याशी उतार कर करहल के सियासी समीकरण को साधने का दाव चला है। यादव वोटों के सहारे सपा ये सीट जीती रही है और उपचुनाव में यही दाव खेला है। बीजेपी और बसपा ने अभी तक करहल सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी यहां से किसे मौका देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। 85 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के वियन तियाने का दौरा किया, जहां उन्होंने लुआंग प्रबांग के रॉयल थिएटर द्वारा प्रस्तुत रामायण के लाओ संस्करण फलक फालम का प्रदर्शन देखा। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार सुबह हावड़ा में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ का दौरा किया। वहीं केरल विधानसभा ने एक देश एक चुनाव के खिलाफ गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें केंद्र सरकार से अपील की गई है कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस ले। वहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि आज है, जहां आज अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
वहीं हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के दौरान हुई 122 लोगों की मौत के मामले में गुरुवार को नारायण हरि भोले बाबा न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। लखनऊ के हजरतगंज स्थित सचिवालय में भोले बाबा को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक आयोग के सामने पुलिस ने पेश किया। हालांकि इस मामले में पुलिस भोले बाबा को क्लीन चिट दे चुकी है, वहीं अब न्यायिक आयोग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। वहीं इजरायली वायुसेना ने सीरिया में हिजबुल्ला के आतंकवादी सेल के प्रमुख को मार गिराया है। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई है, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फारिस की इन लाइनों के साथ लोग रतन टाटा जैसी शख्सियत को विदाई दे रहे हैं। हर कोई रतन टाटा के जाने से दुखी है। सरकार की ओर से राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। कई हस्तियों की आंखें नम दिखाई दे रही हैं और सोशल मीडिया पर उनकी याद में पोस्ट की बाढ़ है। रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए भारत की महान हस्तियां पहुंची। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भी भारी भीड़ लगी। ये भीड़ बताती है कि रतन टाटा ने क्या कमाया है। रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किया। रतन टाटा के निधन से भारत ने अपने सबसे शानदार और दयालु पुत्रों में से एक को खो दिया है। रतन टाटा ने भारत को दुनिया भर में पहुंचाया और दुनिया की बेहतरीन चीजों को भारत में लाया। उन्होंने टाटा हाउस को संस्थागत रूप दिया और इसे एक इंटरनेशनल कारोबार बनाया, जिसने 1991 में चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से टाटा समूह को 70 गुना से अधिक बढ़ाया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रे डॉग से खासा काफी लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते थे। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी जिसमें उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दान किए। उन्होंने देश के हित में काम किया है। रतन टाटा ने देश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में योगदान दिया है। रतन टाटा ने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। रतन जी को न केवल आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के ताने बाने को गढ़ने वाले एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में जाना जाता रहेगा बल्कि वे एक महान व्यक्ति के रूप में भी जीवित रहेंगे। खैर, अब मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है।